डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम मेगास्पोरिंजियम का जो पार्ट थर्ड है उसको देखेंगे, यानी बीजांड के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आती हैं, उन सबको हम एक एक करके लेते जा रहे हैं। तो पिछले टर्न पर, या यूँ कहिए कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था न्यूसेलस अर्थात बीजांड काय के आधार पर बीजांड दो प्रकार के होते हैं, क्रेसी न्यूसिलेट ओविल एंड टेन्यू न्यूसिलेट। ये दो टाइप आपको बताई गई हैं, टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल और दूसरा क्रेसी न्यूसिलेट यानी तनु बीजांड काय बीजांड और स्थूल बीजांड काय बीजांड, यानी बीजांड काय की मात्रा के आधार पर ये जो टाइप्स बनाई गई हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम के अंदर भी इसको पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्पोरोजिनस सेल बीजांड काय के अंदर स्पोरोजिनस सेल कम न्यूसेलर टिश्यू के अंदर अगर पाई जाती है, यानी न्यूसेलस की मात्रा अगर कम होती है, सुपरफिशियली है स्पोरोजिनस सेल, बीजाणुजन जो कोशिका है अगर ये सुपरफिशियल है तो ये बीजांड क्या कहलाएगा, टेन्यू न्यूसिलेट। और अगर स्पोरोजिनस सेल मासिव न्यूसेलस के अंदर धंसी हुई है, न्यूसेलस की मात्रा ज़्यादा है, तो ये जो बीजांड है ये बीजांड क्या कहलाएगा, क्रेसी न्यूसिलेट। तो दो बीजांड हो गए, ये टेन्यू न्यूसिलेट हो गया, ये क्रेसी न्यूसिलेट, और ये न्यूसेलस के आधार पर है। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें रह गया था, न्यूसेलस जो इंटेगुमेंट्स हैं उनके अंदर तक ही रहता है। न्यूसेलस कहाँ पर रहता है, इंटेगुमेंट्स के अंदर ही। लेकिन एक फैमिली है कैरियोफिलेसी, कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर न्यूसेलस थोड़ा सा निकल करके कहाँ जाता है, इन इंटेगुमेंट्स के आसपास। इसके अलावा एक फैमिली ऐसी है यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर जो बीजांड काय है वो निकल करके बाहर आ जाता है। देखिए ये इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगमेंट। तो यहाँ पर जो न्यूसेलस है निकल करके बाहर आ गया और क्या बना रहा है, न्यूसेलर बीक। न्यूसेलर बीक बना रहा है। न्यूसेलस का रोल इस बीजांड के अंदर क्या है, ये जो न्यूसेलस है और इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल जब एम्ब्रियो सैक बनाएगी और उसके अंदर जब एम्ब्रियो बनेगा तो ये न्यूसेलस न्यूट्रिशन के काम में आएगा, किसके लिए, एम्ब्रियो सैक के लिए। एम्ब्रियो सैक न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा, इस न्यूसेलस से, या फिर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो भी इसी न्यूसेलस से ही फूड प्राप्त करता है। तो न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है, न्यूसेलस की मात्रा नहीं बचती है। लेकिन कुछ एक प्लांट्स हैं जिनके अंदर न्यूसेलस कुछ समय तक बचा रहता है, जैसे दो फैमिलीज हैं सिटामिनी, सिटामिनी एंड पाइपरेसी।
इन दो फैमिलीज के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, सीड बनने के बाद भी न्यूसेलस की मात्रा बची रहती है। जैसे मान लीजिए कि सीड बन गया तो इसके अंदर न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में हमेशा बना रहता है, बाद तक भी। और ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में यानी पोषक ऊतक के रूप में जो न्यूसेलस बचा रहता है, ये न्यूसेलस अब क्या कहलाएगा? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म अर्थात परिभ्रूणपोष। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा भी देखा गया है। तो ये सब किसके बारे में था? न्यूसेलस के बारे में। न्यूसेलस के बाद कुछ एक टर्म है, एक दो टर्म है, जैसे ये सब न्यूसेलस से जुड़े हुए टर्म हैं जिन पर डेफिनेशन वगैरह या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पर, जैसे हाइपोस्टेस। हाइपोस्टेस, हाइपोस्टेस क्या है? हाइपोस्टेस में देखिए, ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ये न्यूसेलस हो गया, ये इनर इंटेगमेंट और ये आउटर इंटेगमेंट। तो हाइपोस्टेस क्या है? हाइपोस्टेस में ये फ्यूनिकल साइड में जो वेस्कुलर बंडल आ रहा है वहाँ पर, और चेलाजा साइड के अंदर, यहाँ जो न्यूसेलस की जो सेल्स होंगी वो कुछ विशेष प्रकार की होंगी, थिक वॉल्ड सेल्स होंगी। और दूसरी सेल्स से ये सेल्स कुछ अलग प्रकार के हैं, इनकी सेल वॉल मोटी हो जाती है, इन पर लिग्निन का जमा हो जाएगा या कोई रिफ्रैक्टिव मटेरियल यहाँ पर जमा हो जाता है, इस कारण से ये कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं। यहाँ पर इनका रोल क्या है? ये कोशिकाएं, यूँ मान लिया जाता है कि इस डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो भ्रूणकोष है, इसको न्यूसेलर, इसके अंदर फ्यूनिकल का जो टिश्यू है, बीजांड व्रंथ, इसमें बीजांड व्रंथ में इसको धंसने से रोकते हैं। यानी डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक है उसकी सीमा रेखा को ये निर्धारित कर रही हैं कि ग्रोथ यहाँ तक ही होनी चाहिए। तो हाइपोस्टेस को इस तरह से माना जाता है कि ये ग्रोथ को फिक्स कर रही हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो हाइपोस्टेस हैं, ये सेल्स, इन सेल्स के द्वारा कुछ एंजाइम्स या कुछ हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, या एक ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्रंथिल ऊतक है, तो ये जो एंजाइम्स और हार्मोन्स छोड़े जाते हैं वो इस एम्ब्रियो सैक की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होते हैं। हाइपोस्टेस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? हाइपोस्टेस मिलेगी आपको लिलियेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स के अंदर, एपिएसी, धनिया वाली फैमिली, और क्रोसोसोमेटेसी, इन फैमिलीज के प्लांट्स के अंदर क्या मिलती है? हाइपोस्टेस कंडीशन में। इसके बाद एक दूसरा टर्म और है, एपिस्टेस। हाइपोस्टेस जैसे है वैसे ही क्या है? एपिस्टेस। एपिस्टेस में क्या होता है? कुछ प्लांट्स के अंदर माइक्रोपाइल साइड में जो न्यूसेलर टिश्यू है तो उसकी सेल्स कुछ कप शेप्ड हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? कुछ कप आकार की बन जाती हैं, कप शेप्ड बन जाती हैं। तो माइक्रोपाइल साइड में अगर ये सेल्स मॉडिफाइड हो रही हैं न्यूसेलस की, तो हम इनको क्या कहेंगे? एपिस्टेस। और एपिस्टेस मिलती हैं कोस्टेलिया
और कोस्टस, दो प्लांट हैं कोस्टेलिया एंड कोस्टस। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म थे। इसके बाद एक टर्म और है ऑब्टुरेटर। ऑब्टुरेटर जिसे सेतुक भी कहते हैं। ऑब्टुरेटर क्या है? जैसे ये एम्ब्रियो ओव्यूल है, तो फ्यूनिकल की जो सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर कुछ हेरी हो जाती हैं। फ्यूनिकल साइड में कुछ जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं? मल्टी सेलुलर और हेरी टाइप की। जैसे मान लो ये जोन है, इस तरह की अगर सेल्स बन जाती हैं तो वो सेल्स क्या कहलाएंगी? ऑब्टुरेटर यानी सेतुक। यहाँ पर इन सेल्स का रोल माना गया है कि जो पोलन ट्यूब पराग नली यहाँ पर आएगी, ये न्यूसिलर टिश्यू की फ्यूनिकल साइड में ना जा करके किधर जाइए? माइक्रोपाइल साइड में, बीजांड द्वार की तरफ वृद्धि करे। तो उसका रास्ता बताने के लिए, उसको गाइड करने के लिए ये सेल फ्यूनिकल की सेल्स क्या हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं। ये सेल्स दिखाई देती हैं एकेंथेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर, एकेंथेसी लेबिएटी, लेबिएटी और एक फैमिली और है अनाकार्डियेसी। इन फैमिलीज के प्लांट्स के अंदर क्या मिलता है? ऑब्टुरेटर। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बीजांडों के अंदर ही, वो है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन यानी बीजांडान्यास। बीजांडान्यास, बीजांडान्यास क्या है? देखिए, बीजांड ओवरी के अंदर लगे रहते हैं। किसके द्वारा? फ्यूनिकल के द्वारा। और कहाँ पर लगे रहते हैं? प्लेसेंटा से। तो बीजांड को प्लेसेंटा के द्वारा ही न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन किसे प्राप्त होगा? प्लेसेंटा के द्वारा ही। अब ओवरी के अंदर ये बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड मिलेंगे किसके ऊपर? प्लेसेंटा के ऊपर। तो प्लेसेंटेशन क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा इनटू ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यानी अंडाशय के भीतर बीजांडासन पर यानी प्लेसेंटा पर बीजांडों का विन्यास या लगने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कई प्रकार का पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब सीमांत बीजांडान्यास, सीमांत बीजांडान्यास। दूसरा एग्जाइल प्लेसेंटेशन, एग्जाइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट टाइप हैं, सुपरफिशियल भी होता है। तो प्लेसेंटेशन की जो टाइप्स हैं वो कार्पल्स की संख्या और
उनके अंदर लोक्यूल्स की संख्या यानी चैम्बर्स की संख्या और बीजांड की प्लेसेंटा के ऊपर स्थिति, इसके आधार पर ये प्लेसेंटेशन की कुछ टाइप्स बनाई गई हैं। बीजांडासन, बीजांडान्यास की कुछ टाइप्स हैं, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर ये स्थिति अपने को नजर आएगी, ये स्थिति नजर आती है। क्या मतलब हुआ इसका? मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर ओवरी मोनोकार्पलरी होती है, यानी एक ही कार्पल से बनी होगी। मोनोकार्पलरी होगी, यूनिलोक्युलर होगी, एक कोष की है और एक ही बीजांड पाया जाएगा। किसके ऊपर? ये प्लेसेंटा है इसके ऊपर। तो कार्पल के जो मार्जिन हैं और उनका जो जोड़ है जिसको वेंट्रल सूचर बोलते हैं, वेंट्रल सूचर यानी अभ्यक्ष सिवनी। जैसे मान लो कि कोई मेगास्पोरेंजियम में एक लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, मेगास्पोरोफिल, तो उसके अंदर जो बीजांड लगते हैं, जैसे मान लो ये एक लीफ है और ये मॉडिफिकेशन, इसके दोनों मार्जिन्स अगर ये पास में आ जाते हैं तो ये जो जोड़ बन गए यहाँ पर, मटर की आपने फली देखी होगी तो उसके अंदर आप लोकेशन देखिए, जो बीज लगे होते हैं वो उनके जो मार्जिन्स हैं, उस कार्पल के जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, जो वेंट्रल सूचर है, जो उनका जोड़ है वहाँ पर लगते हैं। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो कि फैबेसी फैमिली के अंदर मिलता है, फैबेसी फैमिली। एग्जाइल प्लेसेंटेशन के अंदर कार्पल्स की संख्या अधिक होती है, कार्पल्स दो से अधिक होते हैं और सिनकार्पस कंडीशन मिलेगी। कैसी कंडीशन मिलेगी? सिनकार्पस पोजीशन मिलेगी, यानी अंडाशय के अंदर कार्पल्स जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो प्लेसेंटा विकसित होते हैं उन कार्पल्स के जो कन्फ्लुएंट्स मार्जिन्स होते हैं, जो संगत किनारे होते हैं वहाँ पर विकसित होते हैं। बीजांडों की संख्या यानी ओव्यूल्स की संख्या कार्पल्स की संख्या के बराबर, लगभग बराबर होती है, कई बार ज़्यादा भी बीजांड लगते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ पर बनाऊं, जैसे ये कार्पल्स हैं, कितने कार्पल हो गए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 ये कार्पल्स हैं, सारे कार्पल्स जुड़े हुए हैं और इन कार्पल्स के जो मार्जिन्स हैं वो यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं और यहाँ पर प्लेसेंटा विकसित होंगे जिन पर क्या लगेंगे? बीजांड। इसी तरह से ये जो कार्पल है इसके मार्जिन यहाँ पर आए और यहाँ पर केंद्र की ओर आकर के इन पर प्लेसेंटा विकसित होते हैं और जिन पर क्या लगते हैं? बीजांड। तो ये स्थिति बनती है किन के ऊपर? अक्षीय बीजांडान्यास के अंदर, यानी एक्सिस के ऊपर जाकर के क्या लगते हैं? बीजांड। एग्जाइल प्लेसेंटेशन जैसे रूटेसी फैमिली के अंदर है, मालवेसी फैमिली के अंदर है, इन फैमिलीज के अंदर दिखाई देता है। तीसरी टाइप है एग्जाइल को अक्षीय बीजांडान्यास कहते हैं, पैराइटल को भित्तीय बीजांडान्यास कहते हैं, भित्तीय। यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है, यहाँ पर
कार्पल्स की संख्या एक से अधिक है, कार्पल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन लोक्यूल्स इसमें एक ही नज़र आता है, लोक्यूल्स इसमें एक ही बनता है और इनके कन्फ्लुएंस मार्जिन है। यहाँ पर क्या विकसित होंगे, प्लेसेंटा, जैसे यहाँ पर विकसित हो गए, सिनकार्पस स्थिति है, स्थिति संयुक्त अंडपी है, और इन प्लेसेंटा के ऊपर क्या लगते हैं, बीजांड। तो ये प्लेसेंटेशन क्या कहलाता है, भित्तीय बीजांड अभ्यास। ये सब ओवरी के सेक्शन है। भित्तीय बीजांड अभ्यास कुकुरबिटेसी फैमिली की विशेषता है। कुकुरबिटेसी फैमिली और पेपावरेसी फैमिली, इन दो फैमिलीज के अंदर भित्तीय बीजांड अभ्यास दिखाई देगा। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखिए, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के अंदर जो कार्पल्स हैं, उन कार्पल्स के मार्जिन जो सेंटर के अंदर जाकर के मिले हैं, यहां पर इन एक्सिस के ऊपर प्लेसेंटा विकसित होते हैं, एक्सिस पर, यहां पर तो ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो गया, जो कि स्टील एरिया के अंदर दिखाई देता है। यहां पर भी यूनिलोकुलर स्थिति आपको नजर आएगी। बेसल प्लेसेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आधारी बीजांड अभ्यास, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन यहां पर जो थैलेमस है, इस थैलेमस टिश्यू से डायरेक्ट क्या निकलता है, बीजांड निकलता है एक ही। तो आधारी बीजांड अभ्यास के अंदर जो पुष्पासन है, उस पुष्पासन से सीधा एक बीजांड विकसित होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसल प्लेसेंटेशन, आधारी बीजांड अभ्यास। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक ही बीजांड बनता है, एक ओवरी के अंदर एक ही बीजांड बनता है। तो ये जिस फैमिली में पाया जाता है वो है एस्टेरेसी। गेंदे वाली फैमिली है, टैगेटस इरेक्टा या सूरजमुखी जिस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, उस फैमिली के अंदर जो बीजांड अभ्यास पाया जाता है वो कौन सा है, बेसल आधारी। तो ये हमने कुछ टर्म्स किए हैं, इसके मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हैं ये सब चीज़ें चलती हैं, बीजांड के अंदर ही ये सब हैं, या अंडाशय के अंदर ही, या माइक्रो मेगास्पोरोफिल गाइनोशियम जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अलग अलग टर्म्स हैं इनके, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे, और इसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।